कैसे हो सर? हिंदी कक्षा दो, हम सीख रहे हैं मात्राएं। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी ए की मात्रा, आज हम देखेंगे ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा को ऐसे वर्ण के यानी कि अक्षर के ऊपर ऐसे लिखा जाता है। ऐ की मात्रा को वर्ण के ऊपर इस तरह लिखा जाता है। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं मात्रा की डेफिनेशन यानी कि व्याख्या। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने से बनती है मात्रा। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने से बनती है मात्रा। तो आज हम देखेंगे ऐ की मात्रा के शब्द, वाक्य और अभ्यास। और इस सेमेस्टर की यानी कि इस सत्र की ये अंतिम आखिरी मात्रा है। इसके बाद की जो मात्रा है वो हम आफ्टर दिवाली वेकेशन यानी कि सेकंड सेमेस्टर में हम सीखेंगे। तो पहले देखते हैं ऐ की मात्रा के शब्द, फिर वाक्य और फिर अभ्यास यानी कि उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस। ब के ऊपर ए और ऐ की मात्रा को अक्षर के ऊपर लिखते हैं। ब के ऊपर ऐ की मात्रा प्लस ट, ब प्लस ऐ की मात्रा प्लस ट, तो पूरा शब्द बनेगा बेट। एकदम शुद्ध हिंदी में बोले बेट को तो बल्ला बोलते हैं। बल्ला क्रिकेट खेलने के लिए जो यूज होता है वो वाला बेट, उसे बल्ला भी बोलते हैं। यहाँ पे बेट। फिर ब के ऊपर ऐ की मात्रा तो भई प्लस या, पूरा शब्द होगा भैया। भैया यानी कि भाई। उसके बाद क के ऊपर ऐ की मात्रा कई प्लस म प्लस रा, पूरा शब्द होगा कैमरा यानी कि कैमरा जिससे फोटो खींचे जाते हैं वो कैमरा। फिर है प के ऊपर ऐ की मात्रा तो पई प्लस सा, यहाँ पे जो स है वो है सर्कस वाला स, पैसा। तो पैसे का मतलब क्या होता है वो तो समझाने की जरूरत है। पैसे का मतलब मनी। फिर स के ऊपर ऐ की मात्रा प्लस नी प्लस क, पूरा शब्द होगा सैनिक। सैनिक यानी कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो सोल्जर्स, देश के लिए लड़ते हैं, लड़ते लड़ते कभी कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं, वो सैनिक। उसके बाद है म के ऊपर ऐ की मात्रा तो मई प्लस दा प्लस न, मई के ऊपर ऐ की मात्रा, पूरा शब्द बनेगा मैदान। मैदान यानी कि मैदान यानी कि ग्राउंड। फिर है त के ऊपर ऐ की मात्रा तो तई प्लस रा प्लस क, पूरा शब्द होगा तैराक। तैराक यानी कि तैरने वाला, स्विमिंग करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं तैराक, हिंदी में बोलेंगे तैराक, गुजराती माँ कहवाई तरवैया। फिर है ब के ऊपर ऐ की मात्रा, ब के ऊपर ऐ की मात्रा तो बई प्लस ल, पूरा शब्द होगा बेल। बेल है कि ऑक्स, बड़द, बैल। फिर है प के ऊपर ऐ की मात्रा प्लस द प्लस ल, पूरा शब्द होगा पैदल। क्या हुआ? पैदल, पैदल यानी कि चल के जाना, वॉक करके जाना, उसे बोलते हैं पैदल। तो ये है ऐ की मात्रा के शब्द, बै, भैया, कैमरा, पैसा, सैनिक, मैदान, तैराक, बैल, पैदल। अब देखते हैं उसके वाक्य। पांच वाक्य है लेकिन वाक्य में कई जगह पर ऐ की मात्रा का उपयोग किया गया। पहला है मेला लगा था, मतलब कि एक गांव है वहां पे मेला लगा था। मेला लगा था कैलाश, देखिए क के ऊपर ऐ की मात्रा, कैलाश लड़के का नाम है। कैलाश के साथी मेला देखने गए, ये सारी मात्रा हमने पहले सीख ली है। एक ही मात्रा है कैलाश के, क के ऊपर एक ही मात्रा, साथी स के साथ आ की मात्रा, थ के साथ बड़े ई की मात्रा, फिर से म के ऊपर ए की मात्रा, फिर आ की मात्रा मेला, फिर द के ऊपर ए की मात्रा,
देखो ने न के ऊपर भी एक ही मात्रा गए। कैलाश के साथी मेला देखने गए। यहाँ पे इस वाक्य में पहले शब्द में ऐ की मात्रा का उपयोग किया गया है, कैलाश। फिर है मैकू। मैकू भी एक लड़की का नाम है। मैकू और उषा बैलगाड़ी पर गए। तो मैकू में यहाँ पे क के ऊपर एक ही मात्रा थी, यहाँ मैकू में म के ऊपर एक ही मात्रा। मैकू फिर और उषा बैलगाड़ी, बैल ब के ऊपर एक ही मात्रा। मैकू और उषा बैलगाड़ी पर गए। उसके घर से मेला थोड़ा दूर था तो वो लोग पैदल नहीं जा सकते थे, तो वो बैलगाड़ी में गए। फिर है रमेश और हैदर। देखिए यहाँ पे ह के ऊपर एक ही मात्रा है। रमेश और हैदर पैदल गए। पैदल यानी कि अभी हमने देखा वैसे चल के जाना, वॉक करके जाना। तो रमेश और हैदर के घर से मेला नजदीक था तो वो लोग पैदल जा सकते थे, मैकू और उषा के घर से दूर था तो वो दोनों बैलगाड़ी में गए। तो यहाँ पे हैदर और पैदल, उसमें ह और प के ऊपर ए की मात्रा है। फिर है कैलाश ने कैमरा खरीदा, तो फिर से क के ऊपर ए की मात्रा। कैलाश ने कैमरा, तो फिर से क के ऊपर ए की मात्रा। कैलाश ने कैमरा खरीदा, मतलब कि ये पांच वाक्य का पूरा एक पैराग्राफ जैसा, एक स्टोरी जैसा छोटा सा है कि गांव में मेला लगा था, कैलाश फिर मैकू उषा रमेश हैदर वो सारे एक ग्रुप में मतलब फ्रेंड्स थे तो वो सब मेला देखने गए। कोई चल के गया पैदल चल के, कोई बैलगाड़ी में गया और कैलाश ने वहां से कैमरा खरीदा। तो ये ऐसे वाक्य है जिसमें एक ही मात्रा वाले शब्द का उपयोग किया गया है। तो हमने देखे एक ही मात्रा के शब्द और वाक्य। अब देखेंगे उसके रिलेटेड अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो ये है उसका अभ्यास। तो आइए देखते हैं अभ्यास एक ही मात्रा और एक ही मात्रा के। अभ्यास में पहला है पांच फूलों के नाम लिखिए। हमें कोई भी पांच फूल लेकिन ऐसे नाम लिखने हैं जिसकी मात्रा हमने सीख ली है। तो पांच खाली जगह है उसमें हम पांच फूलों के नाम लिखेंगे। पहले में लिखेंगे गुलाब। गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा है, गुलाब। उसके बाजू में लिखेंगे कमल। गुलाब फिर कमल। फिर सूरजमुखी। सु में यानी कि स के साथ बड़े ऊ की मात्रा, सूरजमुखी। तीसरे में लिखेंगे सूरजमुखी। चौथे में करेन, करेन। और पांचवें में चमेली। पांच फूलों के नाम में गुलाब, कमल, सूरजमुखी, करेन और चमेली। उसके नीचे है पांच फलों के नाम लिखिए। पांच फलों के नाम लिखिए। केला, पहले में लिखेंगे केला। फिर सेब, सेब यानी कि एप्पल, सफरजन। केला, सेब, आम, आम यानी कि मैंगो। फिर अनार, अनार एटले कि दाड़म। केला, सेब, आम, अनार, तरबूज, तरबूज। तो पांच फलों के नाम में केला, सेब, आम, अनार और तरबूज। उसके बाद है पांच सब्जियों के नाम लिखिए, यानी कि वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। उसमें भी पांच नाम लिखने हैं हमें, तो पांच खाली जगह दी गई है। पहले में लिखेंगे सबकी फेवरेट, सबको जो सबसे ज़्यादा पसंद होती है बच्चों को, वो आलू। आलू बड़े ऊ की मात्रा, ल के साथ आलू। फिर टमाटर, टमाटर यानी कि टमेटा, टोमेटोज। उसके बाद मूली, म के साथ बड़े ऊ की मात्रा, मूली। आलू, टमाटर, मूली, मटर, मटर यानी कि ग्रीन पीस, वटाणा। फिर गाजर। आलू, टमाटर, मूली, मटर, गाजर।
तो पांच फूलों के नाम, पांच फलों के नाम, पांच सब्जियों के नाम। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लगाइए, यानी कि हमें सिंगुलर प्लूरल वाला जो होता है ना इंग्लिश में बोलते हैं, हमें कोई एक शब्द दिया है वो अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। तो देखिए, तोता तो तोते, तोता तो तोते, एक है तो तोता लेकिन एक से ज़्यादा है, तोता यानी कि पैरोट पोपट, एक से ज़्यादा है तो तोते। उसके नीचे है किताब, किताब, एक है तो किताब, एक से ज़्यादा है तो किताबे। उसके बाद है तीन का, तीन का, एक है तो तीन का, एक से ज़्यादा है तो तीन के, तीन के। सामने की साइड में पहला है घोड़ा, पहला है घोड़ा, खाली जगह में लिखेंगे हम घोड़े, एक है तो घोड़ा, एक से ज़्यादा है तो घोड़े। फिर है खिलौना यानी कि रमकड़ा, टॉयज, एक है तो खिलौना, एक से ज़्यादा हुए तो खिलौने, खिलौने। उसके नीचे है पौधा, पौधा, एक है तो पौधा, एक से ज़्यादा है तो पौधे, पौधा तो पौधे। इसके बाद हम देख रहे हैं और एक एक्सरसाइज अभ्यास, जिसमें पहला है गोले में दिए गए अक्षरों पर ऐ की मात्रा लगाकर शब्द बनाकर लिखिए। पहला है, आठ शब्द दिए हैं हमें, आठों शब्दों में जैसी भी अक्षर पर हमें सर्कल यानी कि गोला दिखे उस पर हमें ऐ की मात्रा लगानी है। जिस अक्षर पर हमें सर्कल दिखे, बहुत ही लाइट कलर से सर्कल किया गया है तो क्लियर नहीं दिखेगा शायद। पहला है ख प र ल, तो उसमें र के ऊपर गोला है, सर्कल है, तो हम लिखेंगे ख प र ल, र के ऊपर ऐ की मात्रा, ख प र ल। फिर है न नी ता ल, न नी ता ल, तो उसमें हम न के ऊपर सर्कल किया है तो न के ऊपर ऐ की मात्रा लगाएंगे तो नई नी ताल, क्या होगा, नई नी ताल। उसके नीचे है कमरा, उसमें क के ऊपर सर्कल है तो क के साथ हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, कैमरा, कैमरा। फिर है शलजा, उसमें श के ऊपर सर्कल है, गोला है, तो उस पे हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, शैलजा, शैलजा, लड़की का नाम होता है। उसके सामने द नी क, उसमें द के ऊपर गोला है तो उसके ऊपर हम ऐ की मात्रा लगाएंगे, दई नी क, दई नी क। उसके नीचे है ल ठ त, तो ठ के ऊपर सर्कल है, हम उसके ऊपर ऐ की मात्रा लगाएंगे, ल ठै त, मतलब जिसके हाथ में लाठी है वो ल ठै त। दैनिक यानी कि डेली, रोज बरोज जो होता है वो दैनिक। फिर है ब साखी, उसमें ब के ऊपर ऐ की मात्रा लगानी है तो बैसाखी, क्या होगा, बैसाखी। बैसाखी एक स्टेट का त्योहार है। उसके बाद है ब ल गाड़ी, तो ब के ऊपर सर्कल है, गोला है, तो उसके ऊपर ऐ की मात्रा, बैलगाड़ी यानी कि बड़द गाड़ी। दूसरी एक्सरसाइज है संकेतों की सहायता से बाएं से दाएं अक्षर भरकर पहेली हल कीजिए। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट साइड से हमें राइट साइड में वो लिखते जाना है खाली बॉक्स में। सामने पिक्चर्स दिए गए हैं उसकी सहायता से, मतलब उसकी मदद से। पहले में है स्लीपिंग लाइन में हम देखते जाएंगे, पहले में पहला बॉक्स खाली है, फिर नी क, सोल्जर का एक चित्र है सैनिक का, तो हम उसमें लिखेंगे सई, क्या लिखेंगे, सई, तो पूरा शब्द हो जाएगा सैनिक। उसके नीचे दूसरी लाइन में है ड,
फिर एक बॉक्स खाली, फिर त, तो होगा उसमें लिखेंगे कई। देखिए एक डाकू का पिक्चर है तो उसे बोलेंगे ड के त, तो खाली बॉक्स में हम येलो बॉक्स है खाली उसमें लिखेंगे कई, पूरा शब्द होगा ड के त। फिर तीसरे में पहला बॉक्स खाली है फिर है रा क, तो ऊपर एक छोटा सा लड़का है वो स्विमिंग कर रहा है, उसे हिंदी में अभी जब हमने शब्द सीखे तब हमने देखा कि तैराक बोलते हैं, जो स्विमिंग करता है उसे तैराक। तो तीसरी लाइन में पहला बॉक्स येलो वाला जो खाली है उसमें हम लिखेंगे तै, तो पूरा शब्द होगा तैराक। उसके बाद ल, फिर येलो बॉक्स खाली, फिर त, तो जिसके हाथ में लाठी है उसे बोलेंगे लठैत। यहाँ पे भी चित्र है ग्रीन कलर का, वो कुर्ता पहने हुए एक भाई है जिसके हाथ में लाठी है, तो होगा लठैत। उसके बाद है रू, फिर पिंक बॉक्स खाली है, फिर या, तो ऊपर एक रुपीस का कॉइन है, देखिए 1 रुपीस का कॉइन है तो हम बोलेंगे उसे रुपया, तो खाली बॉक्स में हम लिखेंगे पई, पूरा शब्द हो जाएगा रुपया। फिर है ग, एक बॉक्स खाली और या, ग खाली बॉक्स या, उसमें देखिए सामने की साइड में येलो कलर का जब्बा पहने हुए एक भाई हाथ में एक तारा लेके गा रहे हैं, तो जो गाता है उसे बोलते हैं गवैया, तो हम खाली बॉक्स में लिखेंगे वई, तो पूरा शब्द हो जाएगा गवैया यानी कि गाने वाला। तो दूसरी एक्सरसाइज में पहले में सैनिक, फिर डकैत, फिर तैराक, फिर लठैत, फिर रुपया, फिर गवैया। तीसरी एक्सरसाइज में मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए, मात्रा अलग करके दी है हमें उसे जोड़ के शब्द लिखने हैं, तो व, फिर ऐ की मात्रा रागी, खाली जगह में हम पूरा शब्द लिखेंगे वैरागी यानी कि सन्यासी वैरागी। उसके नीचे हैं सु, र, फिर ऐ की मात्रा, फिर या, तो पूरा शब्द बनेगा र के ऊपर ऐ की मात्रा आएगी, पूरा शब्द बनेगा सुरैया। सामने की साइड में है ज, फिर ऐ की मात्रा, तो होगा जय, फिर तू, फिर न, तो ज के ऊपर ऐ की मात्रा लगाएंगे तो जय तू न, पूरा शब्द होगा जय तू न, जय तू न। उसके नीचे है फ, फल से फ, फिर ऐ की मात्रा, फिर ल न, तो फ के ऊपर ऐ की मात्रा लगाएंगे तो होगा फै, पूरा शब्द होगा फैलना यानी कि पथरावो, फैलना। तो मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए में बैरागी, फिर सुरैया, फिर जैतून और फैलना। उसके नीचे है एक ही मात्रा अलग करके लिखिए, एक ही मात्रा को अलग करके, एग्जाम्पल दिया है मैदा है तो उसके सामने लिखा है म प्लस एक ही मात्रा प्लस दा, वैसे ही हमें दूसरे 3 दिए गए हैं उस खाली जगह में हमें अलग करके मात्रा को अलग करके लिखना है, तो मैदा के नीचे आएगा शैलजा हमें दिया है तो श, शलजम वाला श लिखेंगे, श प्लस ऐ प्लस ल प्लस जा, श प्लस ऐ प्लस ल प्लस जा, तो हुआ शैलजा। सामने की साइड में है थैला, तो हम खाली जगह में लिखेंगे थ, थ प्लस ऐ की मात्रा यानी कि ऐ, थ प्लस ऐ प्लस ला, थ प्लस ऐ प्लस ला। उसके नीचे है भैया, भैया हमें दिया गया है उसे हम अलग करके लिखे तो भ प्लस ऐ प्लस या, भ प्लस ऐ प्लस या। तो ये थी चौथी एक्सरसाइज, ऐ की मात्रा को अलग करके लिखिए। मैदा हमें दिया गया था, हमने मात्रा को अलग किया शैलजा में से, थैला और भैया में से। तो ये था हमारा ऐ की मात्रा का अभ्यास, इसके आगे का हम देखेंगे लेकिन अब बाद में।
आभार।